भगवान किलो के किलो सर्फा साबुन लाई गेल आ कपड़ा मैल के मैले छै साफे नहीं होई छै। की भेल देखै नहीं छियै ई कपड़ा? तो आप कपड़ा सफाई के लेल चिंता नहीं करू किया त आप अहाक बाजार में आबि गेल अछि हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट। अरे वाह, कपड़ा के सफाई एहन जे देखा में बिल्कुल नया लागे। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। जी हाँ, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल और हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्रे प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। आज से मेरा घर तेरा हो गया। डीलर एवं डिस्ट्रीब्यूटर बनवाक लेल इच्छुक व्यक्ति संपर्क करी। संपर्क मोबाइल नंबर 7203956887। संपर्क मोबाइल नंबर एक बेर फिर से 7203956887। जिला परिवहन कार्यालय दरभंगा के तत्वाधान में माउंट समर कन्वेंट स्कूल पोलो मैदान लहरियासराय में आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में विषय पर्यावरण संरक्षण एवं सड़क सुरक्षा हेतु जागरूकता पर आयोजित प्रतियोगिता में महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान की वर्ग 9 की छात्राएं सलोनी कुमारी प्रथम एवं आसिया खातून तृतीय स्थान पर चयनित हुई है, जिसपे विद्यालय प्रबंधन की ओर से छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने दिया सुभाष चंद्र बोस की श्रद्धांजलि। लहरियासराय स्थित पंडा सराय माले कार्यालय में आज महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई और उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर सचिव सादिक भारती ने किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए जिला सचिव बैजनाथ यादव ने कहा कि आज जब देश का किसान कारपोरेट गुलामी अस्वीकार करने और अपनी खेती किसानी को कॉरपोरेट कंपनियों से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब सुभाष चंद्र बोस द्वारा लड़ी गई भारत की आज़ादी की लड़ाई ज़्यादा प्रासंगिक बन गया है। मोदी सरकार की कॉरपोरेट घरानों की ये यारी किसानों से गद्दारी की नीति के खिलाफ छात्र युवा एकजुट होकर के किया मार्च और प्रदर्शन। सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में महागठबंधन से जुड़े छात्र संगठनों ने आज छात्र युवा एकजुटता मार्च किया। इसका नेतृत्व ऐसा राजेश सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, कार्यकारी जिला सचिव मयंक कुमार, आयसा राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य संदीप कुमार, एआईएसएफ के जिला सचिव शरद कुमार सिंह, एसएफआई के जिला संयोजक नीरज कुमार, छात्र राजद के परवीन यादव ने किया। सीएम कॉलेज के खेल में विजय शिक्षकों एवं शिक्षोत्तर कर्मियों का प्रधानाचार्य द्वारा किया गया सम्मान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर विजय सदस्यों को प्रमाण पत्र तथा मेमेंटो प्रदान कर किया गया हौसला अफजाई। सीएम कॉलेज कीलाघाट दरभंगा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 2020 के विजय शिक्षकों एवं शिक्षोत्तर कर्मियों को प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाण पत्र तथा मेमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही के
रिक्तियों के विरुद्ध चयन भर्ती लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 24 जनवरी को एक पाली में आयोजित होगी। 22 परीक्षा केंद्रों पर प्रथम पाली 10 बजे से 12 बजे तक रहेगी। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना के द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही के पद के रिक्तियों के विरुद्ध चयन भर्ती हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 24 जनवरी रविवार को एक पाली में प्रथम पाली 10 बजे से 12 बजे तक लिया जाएगा। दरभंगा शहरी क्षेत्र में 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जो इस प्रकार है, जहां KS कॉलेज लहरियासराय, CM साइंस कॉलेज दरभंगा, बेला स्कूल सहित कई केंद्र शामिल है। सभी परीक्षा केंद्र पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत सशक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में 24 जनवरी रविवार को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन SM की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में COVID-19 टीकाकरण को लेकर के समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमान नगर में कोविशील्ड टीका का 2 वायल्स टूटने एवं 2 वायल्स जमने को लेकर के गहन जांच करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि इतने महंगे टीका यदि किसी की लापरवाही से क्षतिग्रस्त होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सोमवार को 20 केंद्र पर किए जाने वाले टीकाकरण कार्यक्रम के संबंध में विचार विमर्श किया गया। उल्लेखनीय है कि सोमवार को 20 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा, जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेरी, जाले, क्योटी, सिंहबारा दो जगह पर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अलीनगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरभंगा सदर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनीगाछी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमान नगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनीपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घनश्यामपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सतीघाट, DMCH तथा निजी अस्पताल में RB मेमोरियल एवं पारस हॉस्पिटल शामिल है। कुल 2000 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। DPM विशाल कुमार ने बताया कि सभी लोगों को मैसेज भेजा जा रहा है। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र, DPM विशाल कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। MSU के कार्यकर्ताओं के द्वारा परीक्षा तारीख घोषित करने की मांग को लेकर के किया प्रदर्शन। विश्वविद्यालय के द्वारा 2 तरह की परीक्षा रूटीन जारी करने के कारण Part 1 के छात्रों का RB हिंदी कंपोजिशन पेपर छूट जाने के संबंध में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी अमन सक्सेना ने MSU के परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। परीक्षा की तिथि घोषित करने की मांग की। इस बाबत MSU विश्वविद्यालय प्रभारी अमन सक्सेना ने कहा कि एक बार फिर विश्वविद्यालय के गलती के कारण हजारों छात्रों का परीक्षा छूट गया है। विश्वविद्यालय के तरफ से 2 तरह का रूटीन जारी किया गया। पहले रूटीन में स्पष्टता नहीं होने के कारण बाद में कंपोजिशन पेपर के लिए अलग से रूटीन जारी किया गया था, जिसमें स्पष्टता तो था लेकिन हजारों के तादाद में छात्रों को दूसरी रूटीन उपलब्ध नहीं हो सका, जिस कारण से कंपोजिशन पेपर के छात्रों का कई विषय में परीक्षा छूट गया। CM कॉलेज के प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में हुई सांस्कृतिक समिति की महत्वपूर्ण बैठक। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। नटराज डांस एकेडमी तथा शिक्षकों द्वारा होगा राष्ट्रभक्ति एवं आध्यात्मिक प्रस्तुतिकरण। CM कॉलेज किलाघाट दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में महाविद्यालय की संस्कृति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि आगामी 25 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 11 बजे सेमिनार हॉल में संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रभक्ति एवं आध्यात्मिक प्रस्तुति
के अंतर्गत गायन व नृत्य का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से नटराज डांस एकेडमी दरभंगा के निदेशक मोहित खंडेवाल साघन सेवी के रूप में अपनी टीम के साथ सहभागिता प्रदान करेंगे। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा भी प्रस्तुति दी जाएगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का महाविद्यालय में आयोजन करें। मुख्य रूप से इस आयोजन की आवश्यकता इसलिए सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं को यह ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस कोरोना काल में एक अजीब सा डिप्रेशन का माहौल रहा है, सभी घरों में कैद रहे हैं, तो इसलिए एक इस कार्यक्रम से सबका मन प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 25 जनवरी को 11 बजे हमारे सेमिनार हॉल में। दरभंगा परमंडल दरभंगा आयुक्त राधेश्याम शाह की अध्यक्षता में दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर के पदाधिकारियों के साथ बैठक लहरियासराय स्थित कार्यालय कक्ष में की गई, जहां दाखिल खारिज के लंबित वादों का तेजी से निष्पादन करने का निर्देश तीनों अपर समाहर्ता को दिए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में कर्मचारी के कार्यालय की जाँच कराई जाए, वहां दाखिल खारिज वाद लंबित करने की शिकायत लगातार प्राप्त हो रही है। बैठक में परिमार्जन पोर्टल सरजमी पोर्टल की भी समीक्षा की गई। जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत अतिक्रमण जल संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिए। साथ ही अभियान बसेरा के संबंध में बताया गया कि इस अभियान के अंतर्गत दरभंगा जिला के 7921, मधुबनी में 4037, समस्तीपुर में 752, इस प्रकार दरभंगा परमंडल के कुल 12710 परिवारों को आवास हेतु भूमि उपलब्ध कराया गया है। राधेश्याम शाह आयुक्त दरभंगा परमंडल दरभंगा ने कहा कि सभी लोगों के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें कलेक्टर लोग आए थे और विभिन्न विभाग के सेल टैक्स मैन कलेक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग भी आए थे, जिस पर रिव्यू किया गया है और साथ ही वसूली कैसे करें, कितना करें और कितना हुआ है, इस पर भी रिव्यू किया गया है और 31 मार्च तक 100% वसूली कर लेने का निर्देश दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि जो मोटेशन का अभी काम चल रहा है, मोटेशन के लिए जो अभी ऑनलाइन हो रहा है, रजिस्ट्री के बाद वह स्वतः ही चला जाएगा सीओ के लॉगिन में। जो सीओ के स्तर से मोटेशन करना है, और उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि मोटेशन के लिए रजिस्ट्री के बाद अलग से मोटेशन का आवेदन दाखिल नहीं करना है। साथ ही साथ निर्देश दिया गया कि कर्मचारी को भी जांच करें कितना उनके लॉगिन में आया है और कितना का जांच हुआ है। कलेक्टर लोग आए थे और विभिन्न विभाग के सेल टैक्स विभिन्न कलेक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वसूली कैसे करें, लोग कितना किए हैं, इस पर रिव्यू हुआ और 21 मार्च तक लोग 100% वसूली कर लें, ये निर्देश दिया गया है। अभी कुछ वसूली कम है, कोरोना से कुछ प्रभावित हुआ है, लेकिन बढ़ रहा है और 21 मार्च तक 100% वसूली कर लेंगे। इसके साथ साथ जो म्यूटेशन केस अभी ऑनलाइन हो रहा है, रजिस्ट्री के बाद वो स्वतः ही चला जा रहा है सीओ के लॉगिन में और सीओ के स्तर से म्यूटेशन करना है। म्यूटेशन के लिए अब रजिस्ट्री के बाद अलग से म्यूटेशन का दाखिल आवेदन नहीं करना है, ये सिस्टम पर रिव्यू किए और वो सिस्टम ठीक से चल रहा है और जो भी पेंडिंग केसेज है रेवेन्यू का वो भी अच्छी प्रगति है। निर्देश दिया गया है जिलाधिकारी पर समाहर्ता को कि कर्मचारी का भी जाँच करें कि कितना उनके लॉगिन में आया, क्या डिस्प्ले, इस तरीके से आम जनता को म्यूटेशन में कोई दिक्कत न चले।
सुभाष चंद्र बोस की जयंती लहरिया सराय कुंवर सिंह महाविद्यालय में मनाया गया। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर लहरिया सराय स्थित कुंवर सिंह महाविद्यालय में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई, जिसमें कुंवर सिंह महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सहित कर्मचारीगण और छात्राओंगण भी मौजूद रहे और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर दरभंगा जिला किसान काउंसिलिंग की ओर से 3 नए कृषि कानून वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानून गारंटी देने और प्रस्तावित 2020 बिजली कानून वापस लेने की मांग को लेकर के जिला समाहरणालय पर इस कड़ाके की ठंड में भी किसानों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पोलो मैदान लहरिया सराय से चलकर आयुक्त कार्यालय समाहरणालय लहरिया सराय टावर लोहिया चौक होते हुए पुनः समाहरणालय पहुंचा और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जिला समाहर्ता के माध्यम से राज्यपाल के नाम मांग पत्र दिया और 3 नए कृषि कानून वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानून गारंटी देने और 2020 प्रस्तावित बिजली बिल वापस लेने की मांग की। सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर किसान संगठनों के आह्वान पर दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से आज हम लोग यहां समाहरणालय पर मार्च कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मुख्य मांग है जो यह जो 3 कृषि कानून है उसको सरकार वापस ले और फसल के कीमत की गारंटी हो, कानून बने, 2000 बिजली बिल जो प्रस्तावित है उसको वापस लिया जाए। स्वयं प्रधानमंत्री ने पिछले दौर में कहे थे जो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन आज देश में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुए। आज किसानों को लाभकारी मूल्य कहाँ मिल रहा है? बिहार में तो 2006 में नीतीश कुमार ने मंडी को समाप्त कर दिया और सरकार जो केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू की हुई है वह बिहार में लागू नहीं होता है, क्योंकि समय पर क्रय केंद्र नहीं खुलता है और जिसके चलते किसान औने पौने दाम पर धान बेचते हैं, अनाज बेचते हैं। हम बताना चाहते हैं जो हम फसल के कीमत की गारंटी का मांग कर रहे हैं, अभी 12 दौर का वार्ता हुआ है लेकिन कोई सकारात्मक वार्ता नहीं हुई है। हम कृषि कानून जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम आंदोलन करेंगे। यही आज सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर हम लोग संकल्प ले रहे हैं जो जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। अभियंत्रण विभाग के शीर्ष पदों पर अभियंताओं की हो तैनाती, बेसा ने कहा। बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के महासचिव डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी ने पथ निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन लहरिया सराय में बेसा के दरभंगा प्रक्षेत्र गठन के दौरान सरकार के अभियंत्रण विभागों के शीर्ष पदों पर अभियंताओं की तैनाती की मांग को लेकर के बिहार के अभियंताओं से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि अगर बिहार को विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करना है तो अभियंत्रणों कार्यों का अनुसंधान जिला से लेकर के मुख्यालय स्तर तक केवल और केवल अभियंताओं से कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। जांच के नाम पर अभियंताओं को प्रताड़ित किया जाना बंद करना होगा एवं अभियंताओं की समस्याओं पर ध्यान देना होगा। देख दमन भी जल चुका है, अपना दम दिखाना होगा। आज बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के दरभंगा प्रक्षेत्र का गठन होना है। प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए बिहार को हम अभियंता लोग विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन विडंबना है कि सरकार हमारी जायज मांगे और ज्वलंत समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारी महत्वपूर्ण मांगे हैं केंद्रीय वेतन मान को बहु लागू हो, ससमय नियमित एवं क्रियाशील उन्नति दें, खाली पड़े पदों को सहायक अभियंता से लेकर अभियंता प्रमुख तक नियुक्ति एवं प्रोन्नति के द्वारा भरा जाए, विधि व्यवस्था की ड्यूटी से जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, उसे हमें मुक्त किया जाए। अभियंत्रण विभागों के शीर्ष पद पर अभियंता की नियुक्ति की जाए और जिला स्तर से मुख्यालय स्तर तक जितने भी अभियंत्रण कार्य हैं उनका अनुश्रवण अभियंताओं केवल अभियंताओं के द्वारा किया जाए।
प्रमंडल स्तर पर सात निश्चय योजना की हुई समीक्षा। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा राधेश्याम शाह की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में सात निश्चय योजना को लेकर के समीक्षा बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दरभंगा प्रमंडल के कुल 14,836 विद्यार्थियों को, जिनमें दरभंगा जिला के 3,057, समस्तीपुर जिला के 4,838 एवं मधुबनी जिला के 6,941 विद्यार्थी शामिल है को वित्तीय लाभ उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत दरभंगा प्रमंडल के कुल 32,341 युवाओं को लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, जिनमें दरभंगा जिला के 8,760, समस्तीपुर जिला के 10,674 एवं मधुबनी जिला के 12,907 युवा शामिल हैं।